IBNI न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर शहर की सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन के त्योहार को जेल में खास अंदाज में मनाया गया, जहां जेल में बंद कैदियों ने मिठाई तैयार की, जहां हजारों की संख्या में जेल परिसर पहुंची महिलाओं ने अपने भाइयों को राखियां बांधी। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का त्योहार माना जाता है। ऐसे में इंदौर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को रक्षाबंधन सूत्र बांधने के लिए उनकी बहनें हर साल आती हैं। इसी को देखते हुए इस साल भी बेहतरीन तैयारी की गई है। खास बात यह है कि जेल में बंद कैदियों ने खुद मिठाइयां और राखियां बनकर तैयार की है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार खास बनाए जाने के लिए शासन द्वारा आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद ही व्यापक तैयारियां जेल प्रबंधन द्वारा की गई है। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जेल में बंद कैदियों की कलाइयों पर बहनों से राखी बंधवाने के लिए जेल प्रबंधन द्वारा पूरी तैयारी नियम के अनुसार की है। इस साल नियम के मुताबिक ही रक्षाबंधन का महापर्व जेल में मनाया जा रहा है। राखी बांधने आने वाली बहनों के लिए जेल प्रबंधन में समय सीमा तय की है। कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास किया गया है। इस बार कैदियों ने खुद मिठाइयां और अन्य चीज बनाकर तैयार की है, जिसे बेचा भी जा रहा है। वहीं अपने भाई को राखी बांधने पहुंची एक महिला ने बताया कि हर साल राखी का त्योहार घर पर ही मनाते थे, लेकिन किसी कारण से इस बार यहां राखी बांधने आना पड़ा। जेल में आना किसी को पसंद नहीं होता। मैं हर भाई से कहना चाहती हूँ कि अपराधों से दूर रहें और ऐसा प्रयास करें जिससे अपने घरों में रहकर ही परिवार के साथ ही त्योहार मनाए जा सके। राखी बांधने आए हैं अपने भाई को सेंट्रल जेल में, कैसा लग रहा है? इस राखी के पावन अवसर पर हम हर साल हमारे घर पर राखी बना देते, पर हम इस साल यहाँ पर आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश के भाइयों को आज रक्षाबंधन के दिन? सभी भाई अपने घर पर रहे और अच्छे से राखी बनाए सबके साथ में, और कभी यहाँ आना ना। आज आप जेल आए हैं, जेल की आपको व्यवस्था कैसी लगी है राखी की? अच्छी भी है और नहीं भी थी, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा रश है, सभी को प्रॉब्लम हो रही है धूप में, और पुलिस वाले भी इधर उधर भगाते हैं, बैठने नहीं देते हैं ठीक से। आपका नाम? दीक्षा। आज रक्षाबंधन है, किस तरह की प्रशासन की व्यवस्था की? रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार जो है भाई बहन के प्रेम के अटूट प्रेम का त्यौहार है, और आज आप देखेंगे कि महिलाओं को जो है जेल के बाहर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बहुत सुबह से ही इकट्ठी हो गई थी, और सबको इंतजार है कि वो अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांध सके। बड़ा ही मार्मिक दृश्य होता है कि जब बंदी जेल में है और उसके बहन जब राखी बांधने आती है तो बहन भी रो रही होती है और बंदी भी अपनी बहन से मिल करके उसकी आंखें नम हो जाती है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसका हम जो है शब्दों में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भाई और बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार है। आज जेल प्रशासन पूरा केंद्रीय जेल इंदौर के सभी अधिकारी कर्मचारी जो है जेल की सुरक्षा व्यवस्था और बंदियों को राखी बांधने के लिए लगे हुए हैं, और मैं सिद्धि साहब का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें पुलिस बल दिया है। हमारे पास बड़ी संख्या में पुलिस बल मिला है जो कि बाहर और अंदर की सुरक्षा में हमारे साथ में है। सभी बंदी मुझे दीदी कहते हैं, तो मैंने आज अपने बंदी भाइयों को भी यहाँ पे राखी बांधी है और उनको ये एक संदेश दिया है कि मैं वास्तव में उनकी दीदी हूँ और जो उनके लिए हर समय खड़ी हूँ।